हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे बड़े नंबर को डिवाइड किस तरह से किया जाता है जिसका पहाड़ा हमको याद नहीं है, और वो एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और इस एग्जांपल को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इसे किस तरह से लिखा जा सकता है। इसे चार तरीकों से लिखा जा सकता है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। पहला तरीका ये है कि आप पहले कोई नंबर लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर नंबर कुछ लिखेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से भाग करना है, यानी कि इस नंबर को इस नंबर से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अब इसी चीज को आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि ये नंबर है, इसको पहले लिखिए, डिवाइड के निशान की जगह ये बटे के निशान, इस तरह की लाइन खींच दीजिए, या फिर इस तरह की लाइन भी खींच सकते हैं। और उसके बाद में फिर जिस नंबर से डिवाइड करना है वो नंबर लिखिए। इस तरह से लिखेंगे तो नीचे लिख दीजिए, इसमें भी यही नंबर है कि पहले वाले नंबर को दूसरे वाले यानी नीचे वाले नंबर से या बाद वाले नंबर से डिवाइड करना है। अब आप इसको इस तरह से लिखकर डिवाइड करते हैं, लेकिन तो ये तरीका बेसिक तरीका होता है जिस तरह से आप डिवाइड करते हैं। तो इसमें पहले नंबर था वही पहले, यहाँ पर भी वही पहले है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर वाला नंबर है जिसको डिवाइड करना है वो अंदर लिख देते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करना है वो बाहर लिखते हैं, यानी कि बाद वाला जो नंबर है उसको यहाँ पर बाहर लिख दिया जाता है। बस ये तरीके होते हैं इसे लिखने के। तो इस तरह से हमने लिख दिया है, आप सीख गए होंगे कि किन किन तरह से इसको लिखा हुआ आपको मिल सकता है ये। अब देखिए इसको हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए पहले तो इसका पहाड़ा हमको याद होना चाहिए, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है, इसका पहाड़ा हमको याद नहीं है। उसके बाद भी हम इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए लिखा है 426 और अंदर लिखा है 563। ये तीन नंबर का डिजिट है, तो अंदर के भी तीन अंक को ही पहले देखेंगे। तो अंदर वाला जो तीन अंक है वो इससे बड़ा है, तो अच्छी बात है। अब इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 563 आए या 563 से कम आए। 426 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 426 आएगा, दो बार पढ़ेंगे तो 800 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब पहाड़ा हमको एक ही बार पढ़ेंगे और 426 आ जाएगा। इस तरह से अंदाजा लगाकर लिख देंगे, फिर लाइन को खींच के घटाया जाता है, घटा लेंगे। 13 में से 6 गया तो कितना बचा, 7। 5 में से 2 गया तो बचा 3, यहाँ भी बचा 1, घटा लिया। घटाने के बाद क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लिया जाता है, उतार लिया। अब क्या करें, अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि ये नंबर आए या इससे कम आए। एक बार पहाड़ा पढ़ना था तब तो हमने बहुत ही आसानी से अंदाजा लगा लिया, लेकिन जब नंबर ज़्यादा हो जाता है तब कैसे अंदाजा लगाएं। तो उसके लिए 4 का पहाड़ा तो आपको आता होगा। 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 13 आए या 13 से कम आए। 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार, तभी तो आएगा। 4 × 3 = 12 होता है, जो कि 13 से कम है। तो अंदाजा लगाकर हमने 3 लिख दिया। अब इस 3 का क्या करेंगे, इस 3 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 6 = 18 हासिल लगी 1, 3 × 2 = 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो मिला के 7 हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 3 × 4 = 12 होता है, 12 यहाँ पर लिख देंगे। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन को खींच के इसको घटाएंगे, यहाँ 0 बचा, यहाँ 0 बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। अब घटाने के बाद क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे, फिर से अगले नंबर को नीचे उतार लेंगे, अगला नंबर 4 है, उतार लिया। अब क्या करें, अब फिर से आपको वही काम करना है, इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि ये नंबर आए या इससे कम आए। तो 4 का पहाड़ा ही हमें पढ़ेंगे तो कितनी बार में कि 10 आए, 10 से कम आए। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार तो 8 आ जाएगा। फिर 2 का इसे मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे, 2 × 12 = 2 हासिल लगी, 1 × 2 = 4 और 1 मिला के 5 हो गया और 2 × 8 होता है। फिर लाइन को खींचेंगे, इसको घटाएंगे, यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को फिर से आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, 3 है, वो उतार लिया। अब फिर से 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आए या 15 से कम आए। 4 × 3 = 12 होता है, 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 4 × 16 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम पहाड़ा 3 ही बार पढ़ेंगे। और 3 बार जब पहाड़ा पढ़ा था तो कितना आया था, 12 × 78 आया था, तो 12 × 78 आ जाएगा यहाँ पर। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो 13 में से 8 गया तो बचा 5, 11 में से 7 गया तो बचा 4, 4 में से 2 गया तो बचा 2, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर वही काम करिए, लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारिए, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है तो ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल आ गया है। तो इस तरह से आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है या आपसे कोई सवाल फंस रहा है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नए वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जैक सर के साथ।